बारिश हो रही हो बाहर और नाश्ते में पराठे खाने को मिल जाएं तो क्या बात है। आइए आज हम बनाते हैं गोभी के पराठे। हेलो दोस्तों, यमी फूड में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं गोभी का पराठा। तो गोभी का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंथेंगे। आटा गूंथने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप गेहूं का आटा। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और अब हम इसमें पानी डाल के इसे गूंथ लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे गूंथ लीजिए। हमें इसका बहुत ज़्यादा नरम आटा नहीं लगाना है, गोभी के पराठे का आटा थोड़ा सा सख्त होता है। अब हमारा ये सख्त आटा लग के तैयार है। अब हम हाथ में थोड़ा सा घी लेके इस आटे को मसल लेंगे और फिर इसे हम ढक के 10 मिनट के लिए रख देंगे। ऐसा करने से पराठे हमारे अच्छे बनेंगे। अब हम इस आटे को ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब हम पराठे की स्टफिंग के लिए गोभी लेंगे। तो मैंने एक गोभी ली है और इस गोभी को मैंने अच्छे से धो के सुखा लिया है। अब हम इसे कसना शुरू करेंगे। तो इसके लिए आप कोशिश करें कि आप जो मोटा वाला ग्रेटर होता है वो यूज़ करें। बारीक वाले ग्रेटर से आपकी गोभी बहुत ज़्यादा बारीक कसेगी और उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो हम इसे मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। हमारी पूरी गोभी कस चुकी है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन। इस अजवाइन को हम हाथों के बीच में लेके, हथेलियों के बीच में लेके मसलते हुए इसमें डालेंगे। अजवाइन के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ हरी मिर्च। आप चाहें तो हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें ध्यान दीजिए, मैंने नमक नहीं डाला है अभी। गोभी के मिक्सचर में हम नमक बिल्कुल, पराठा बेलते वक्त जितना मिक्सचर हम एक पराठे में भरेंगे उतने ही मिक्सचर में हम नमक डाल के पराठे में भरेंगे। ऐसा करने से हमारा जो ये गोभी का मसाला है वो पानी नहीं छोड़ेगा और हमारे पराठे फटेंगे नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी गोभी में बहुत पानी है और नमक डालने के बाद ये और पानी छोड़ेगी, तो आप इसमें इस वक्त 1 बड़ा चम्मच या अपनी आवश्यकता के हिसाब से जितना आपको लगे उतना चम्मच आप इसमें आटा भी मिला सकते हैं। बट आटा मिलाना ऑप्शनल है। अगर आपकी गोभी बहुत ज़्यादा पानी वाली है तो फिर उसमें आप आटा मिला सकते हैं, अदरवाइज उसमें आप आटा मत मिलाइए। हमारा ये मिक्सचर तैयार है, आइए पराठे बनाना शुरू करते हैं। जो आटा लगा के रखा है उसे हम हाथों से मसल के एक बार एक साथ कर लेंगे। आप देख सकते हैं आटा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसकी एक लोई बनाएंगे, अपनी बड़े नींबू के साइज़ की लोई बनाएंगे। ये हमने आटे की लोई बना ली है। अब इस आटे की लोई को हम सूखे आटे में लपेट के थोड़ा सा बेल लेंगे। उसके बाद हमने जो मिक्सचर बनाया है उसमें से जितना मिक्सचर हमें एक पराठे में भरना है उतना हम अलग करके उसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। क्योंकि नमक हमने पहले मिक्सचर में नहीं डाला है इसलिए अब हम इसमें नमक डाल के इसे मिला लेंगे। और अब हम ये जो लोई बनाई है उसमें हम ये वाला जो मिक्सचर जिसमें हमने नमक डाल के मिलाया है हम ये इसमें स्टफ़ कर देंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें बहुत ज़्यादा स्टफिंग भी नहीं करनी है और बहुत कम स्टफिंग भी नहीं करनी है। तो ये हमने इसमें स्टफिंग डाल के दी। अब हम इसे किनारों से लेते हुए बीच में ऐसे एक बॉल बना लेंगे। इसे आप थोड़ा सा दबाते हुए इसका एक बॉल बना लीजिए। इसे ऊपर से प्रेस कर लीजिए। इसे हम सूखे आटे में लपेटेंगे और इसका एक पराठा बेलेंगे। साइड में ही हम तवा भी गर्म होने के लिए रख देंगे। इसे हमें साइड से बेलना है
बिल्कुल बीच से जोर लगाते हुए ना बेलें, इसे आप हल्के हाथ से बेलें और एक बार सूखा आटा फिर से लगा लें। हमारा तवा गरम हो चुका है, अब इसे पराठा डालते हैं। इसे पलट देंगे। पराठे को दूसरी तरफ भी हम 1 मिनट सिकने देंगे। पराठे को इस तरफ भी हम 2 मिनट सिकने देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे घी या फिर ऑयल। मैं इसमें घी का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो इस ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे हम पराठे पे फैला देंगे। अब हम पराठे को धीरे से पलट के दूसरी तरफ स्पिन देखेंगे। आप इसे दबाते हुए सेक लीजिए। हम इस तरफ भी हल्का सा घी लगा देंगे और इसे दोबारा से पलट के सेक लेंगे। हमारा गोभी का पराठा सेक के तैयार है, अब हम इसे सर्व करेंगे। आज मैं ये पराठा सर्व कर रही हूँ हरी चटनी, दही और मिर्च के अचार के साथ में। आप चाहें तो इसे अपनी पसंद की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को घर पे ट्राई करें और कैसी बनी ये कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम तक के लिए टेक केयर एंड बाय।